5 on the 5, 5 for the 20.
टू दोनों का टू टू फोर आया, इधर फोर दिख नहीं, और एस इधर भी फोर आया, एस माइनस फोर वाई माइनस टू जेड पावर टू फाइव एट ओवर फाइव। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब फोर जेड की टू ये दोनों माइनस में नीचे आ तो प्लस हो जाएंगी पावर फाइव एट ओवर फाइव, ये माइनस तो प्लस माइनस है प्लस। अब स्टूडेंट आपने ये आपकी फाइव एट ओवर फाइव की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से रेडिकल फॉर्म में चेंज करें, तो रेडिकल फॉर्म आपको पता ही है, रेडिकल का साइन फाइव, ये जो फाइव है इधर लिखा और एट इधर लिखा, सारे की फोर फाइव का स्क्वायर। अब फोर जेड स्क्वायर, अब इसका सॉल्यूशन करें तो हम लिखते हैं ये फाइव की फाइव और फाइव, फिर फाइव की क्यूब और फाइव, बस इस फाइव की एट हमने दो पार्ट कर दिए, बाहर इंडेक्स फाइव तो हमने पावर बना दी फाइव की फाइव, मतलब अंदर फाइव आठ तो फैना तो पाँच की पावर बनती है पाँच, और पाँच की जो बाकी पाँच के दिन जो लैदा लिखने, लेकिन ये नेट की साइन ऑफ फाइव साथ ही रहें, एस की फोर फाइव का स्क्वेयर, अभी इसके साथ कैंसिल हो जाना है, फोर जेड स्क्वेयर फाइव, अब पीछे बचा फाइव, ये बचा फाइव थ्री हंड्रेड एंड फाइव, साथ बचा फाइव एस की फोर फाइव का स्क्वेयर। अब फिर आपकी क्या करना है, फोर जेड स्क्वेयर फाइव का क्यूब है, अभी इसकी इधर वन ओवर फाइव की वन ओवर फाइव फाइव एस की फोर और फाइव का स्क्वेयर। अब आपने लिखा फोर जेड स्क्वेयर फाइव थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया थ्री ओवर फाइव फाइव एस की फोर और फाइव का स्क्वेयर, ये स्टूडेंट इसका आंसर है, इस तरह आपने एक पार्ट रखा। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फाइव का देखिए, बड़े ही लाजमी सवाल है। अब यहाँ पर आपने पहले नंबर पर सॉल्यूशन देखे हैं, टू वन सिक्स है, इस कैल्सियम सिक्स के साथ तो सिक्स की पावर थ्री है, ऐसे में टू से भी स्टार्ट हो सकता है, फिर आप इस तरह शार्ट में लिखे हैं सिक्स की पावर थ्री मल्टीप्लाई टू ओवर थ्री, ट्वेंटी फाइव फाइव की पावर टू मल्टीप्लाई वन ओवर टू एंड जीरो पॉइंट जीरो फोर है स्टूडेंट, पॉइंट का लगाया वन टेबल पॉइंट पॉइंट का लगाया जैसे में नंबर की प्लेस में जीरो माइनस थ्री ओवर इस तरह स्टूडेंट करें। अब थ्री थ्री से कैंसिल और सिक्स की पावर टू टू की पावर टू टू से कैंसिल फाइव रिजल्ट बचा फोर अवर हंड्रेड और माइनस थ्री अवर टू सिक्स की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव। अब स्टूडेंट आप रेसिप्रोकल करें, हंड्रेड ऊपर फोर नीचे, ये जो पावर माइनस में ये प्लस में हो जानी है, इसमें हो जानी है प्लस में, आप सिक्स की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव की कट करें फोर वन और फोर ट्वेंटी फाइव, फोर टू का एट टू करें फोर फाइव का ट्वेंटी, इधर ट्वेंटी फाइव और थ्री ओवर टू है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना, सिक्स की टू मल्टीप्लाई फाइव और ट्वेंटी फाइव है तो फाइव का स्क्वायर मल्टीप्लाई थ्री ओवर टू मल्टीप्लाई थ्री ओवर, अब आया सिक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव टू टू से कैंसिल फाइव का क्यूब हो जाए फाइव का क्यूब। अब फिर आपने सिक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव, अभी पाँच तीन दफ़ा तो पाँच को तीन दफ़ा और एड करें फाइव मल्टीप्लाई फाइव फाइव मल्टीप्लाई फाइव 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 से कैंसिल और सिक्स का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर और सबके अंडर रूट। अब फिर ये जो अंडर रूट है ये दोनों के साथ है, दोनों के साथ लैदर लैदर लिखते हैं इस तरह, और फाइव के स्केयर के साथ लैदर होती है, स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल स्केयर स्केयर रूट के साथ प्लस हो जाने और सिक्स ओवर फाइव जी आपका क्या है आंसर। इस तरह छोटा ये वाला क्वेश्चन है, आप ये देखते हैं ये दो दफ़ों से आप एक दफ़ा लिखते हैं ये प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाने साथ ही पावर को कंबाइन करते हैं बी प्लस क्यू डार्क में मल्टीप्लाई ए क्यू के नीचे प्लस आ रहा ऊपर जाकर माइनस आ रहा हो जाना है और सारे पावर कंबाइन कर क्यू प्लस आ रहा है। अच्छा डिवाइड को इस तरह अंबर में लिखने फाइव अब ये ए दो दफ़ा से एक दफ़ा लिखें और पी प्लस आर ये पावर कंबाइन किया बी प्लस आर और जो ऊपर पावर सारे लिखने बी माइनस आर दोबारा लिखें फाइव डिवाइड का अंबर में लिख लिया फाइव
A. A goes to first equal equal B plus R or B minus R. अब इस तरह से डालते हैं a b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस q स्क्वायर इस तरह ये q पे q से q स्क्वायर माइनस प्लस माइनस r स्क्वायर 5 a b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस r को r से r स्क्वायर आ गया। अब फिर आपने क्या करना है, अब a को ये ऊपर वाले a दोनों पर से कंबाइन कर दो आप a 5 a b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखो जो स्टूडेंट ये a तीन दफा है, एक दो और तीन, आप उसे एक दफा लिखा नीचे ये प्लस b ऊपर जाए तो माइनस b स्क्वायर, ये माइनस r ऊपर जाए तो प्लस r स्क्वायर और नीचे से बचा 5 क्या बचा सॉरी ऊपर ही रहने नीचे बचा 5। दोबारा देखें ये दो दफा तीन दफा है ये ये और ये इसे एक दफ़ा लिखा मेरे को ऊपर वाली पावर कंबाइन की यानी ये नीचे प्लस ऊपर जाए तो माइनस के माइनस ऊपर जाए तो प्लस ये पावर चेंज नहीं होनी ये वही रहनी है और नीचे फाइव बचा। अब ये प्लस भी माइनस भी माइनस प्लस आप उसको कैंसिल एक जीरो आया एक की पावर जीरो आई और नीचे फाइव। आपको पता ही है स्टूडेंट जब भी बेस के ऊपर जीरो आ रही है इसके इक्वल है वन के। अब एक की जीरो वन और फाइव के वन आने की इसका क्या है आंसर, इस तरह स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन करने। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये इस चैप्टर के लास्ट वाले दो सवाल है तो आज हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है सेकंड चैप्टर। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने सॉल्यूशन अब देखिए इधर भी बेस है इधर भी बेस ए है ये दोनों फोर से आप एक दफ़ा राइट कर लें ए टू है ये नीचे प्लस से आएगा ऊपर जाएगा माइनस है प्लस एम ऊपर जाकर माइनस एम इस तरह स्टूडेंट आप साइन चेंज कर लें ए दो दफ़ा एक दफ़ा लिखा ये नीचे प्लस एन है ऊपर जाकर माइनस एन ये प्लस एम ऊपर जाकर माइनस एन इस तरह इधर ए ए बेस दो दफ़ा एक दफ़ा लिखी टू एम ये नीचे प्लस एन ऊपर जाकर माइनस एन ये प्लस एन ऊपर जाकर माइनस एन इस तरह स्टूडेंट ये ए टू एन ये प्लस एन ऊपर जाकर माइनस एन ये प्लस एन ऊपर जाकर माइनस इससे स्टूडेंट आप नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट ए टू एल में से वन एल माइनस किया तो एल आया एल माइनस एम। अब स्टूडेंट टू एम में से एम माइनस किया एम आया माइनस एन टू एल में से एन माइनस किया एन आया माइनस एन इससे स्टूडेंट आप नहीं सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए ए ए और ए बेस तीन दफ़ा ए आप उसे एक दफ़ा राइट कर देना और सारी पावर को कंबाइन कर देना एन माइनस एम ये प्लस एम माइनस एन ये प्लस एन माइनस एल। अब सुन देखें ये प्लस एल और माइनस एल माइनस प्लस आपस में कट हो जा रही है एक की जीरो और एक की जीरो किसकी इक्वल है वन स्टूडेंट इसका क्या है आंसर। अच्छा ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखते हैं ए की एल और ए की एम ये देखिए हमारा क्यूब रूट है थ्री है तो वन और थ्री के इक्वल है इस तरह ए की एम और ए की एन तो सारे की पावर वन ओवर थ्री ए की एन सारे की पावर वन ओवर थ्री इस तरह छोटा आपने पावर बना ली। अब ए एल मल्टीप्लाई अब वन और थ्री के दोनों पावर से मल्टीप्लाई करना है ए एल मल्टीप्लाई वन और थ्री ए एम मल्टीप्लाई वन और थ्री ए एम मल्टीप्लाई वन और थ्री ए एन मल्टीप्लाई वन और थ्री ए एन मल्टीप्लाई वन और थ्री ए एन मल्टीप्लाई वन और इनकी इस वन और थ्री को एल और एम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं एम और एन से भी एन और एल से भी मल्टीप्लाई आप नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट ए एल को वन से मल्टीप्लाई किया एल और थ्री आया एम को वन से मल्टीप्लाई किया एम और थ्री आया एम को वन से मल्टीप्लाई किया एम और थ्री एन को वन से एन और थ्री एन को वन से एन और थ्री और एन को वन से एन और थ्री लगी। अब सुन देखिए ए और ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल जो चेंजिंग ए एम और ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल ये भी और ये भी इसके साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल
इधर भी 1/1 बचा, इधर भी 1/1 और इधर भी 1/1 बचा। अब सुन, ऊपर वन को वन से मल्टीप्लाई कर 1, नीचे वाला वन को वन से मल्टीप्लाई कर 1, तो हमारा आंसर आया लास्ट में 1 ही आंसर आता है। इस तरह से आपको ये वाला पार्ट करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर